अब अमला खान को बम से उड़ाने का क्या फायदा? बिल्कुल सर, सरदार आफ्ताब ने ये बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन ये सब कुछ तुझसे करवाया क्यों है? कहता था कोई पुरानी दुश्मन ही है। इसी की बहन और इसकी बेटी जो अपनी मर्जी करने का खुमियाजा भुगतने दरिया में उतर गई थी। सरदार साहब आप इनके सर पे हाथ रख दें, ये आपके ताबेदार हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सरदार आफ्ताब सारा पैसा तुमको देता था, तुम मजहर चौधरी को और मजहर चौधरी रिजवान को। जी नफीसा के अब्बा की तबीयत ठीक नहीं। क्यों, क्या हुआ? वो सुबह में नफीसा से फोन पर बातें कर रही थी कि भाईजान की अचानक ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाज आई। कुपा में शहर ही आ रहे हो? खुदा का शुक्र है कि आप यहाँ मौजूद हैं। बचाने वाले ने बचा लिया बस। यहाँ सबको बहुत फिक्र हो गई थी आपकी। अब्बा फौत हो गए। क्या? बस पापा, बस बस। ये कमेटी मिस्टर रिजवान बेग और मिसेज मलिक को एक आखिरी मौका और देती है। बस सूरत दीगर ये कमेटी सिफारिश करेंगी कि मिस्टर रिजवान बेग और मिसेज मलिक पर मिसेज जीनिया खान के कत्ल का मुकदमा चलाया जाए। मैं बताती हूँ। मैं बताती हूँ कि जीनिया खान किस डॉक्टर के पास जाया करती थी। आप चुप करें, आप चुप करें। खामोश हो जाइए आप सब। हाँ बताओ। मेरी कमेटी के अरकान से दरख्वास्त है कि मुझे अलायदगी में बात करने का मौका दिया जाए। ठीक है। मौजूदीन, इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए ये सब जरूरी है, इसलिए अराकीन कमेटी मिसेज मलिक की बात अपने चैम्बर में सुनेंगे। आप सबको तब तक इंतजार करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, हमें पता चला है कि वो अक्सर आपके पास मशवरे या मुआयने के लिए आया करती थी। मेरे पास? जी हाँ, आपके पास। अगर मेरे पास तो मिसेस सरदार आफताब अली खान कभी नहीं आए। यहीं आती थी, यही पता बताया था उन्होंने। मगर मेरे पास इस नाम की कोई खातून कभी नहीं आई, और मैं सरदार आफताब अली खान के नावल पढ़ने वाला आदमी हूँ। मैं भला ये नाम कैसे भूल सकता हूँ? देखिए डॉक्टर साहब, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो आपके पास जीनिया खान के नाम से आती हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर साहब, दरअसल हमारा मसला पिछले साल 12 अक्टूबर से रिलेटेड है। आप किसी तरह हमें ये बता सकते हैं कि उस तारीख को आपके पास कौन कौन आया था? पिछले साल 12 अक्टूबर को ये तो मैं अभी देखकर बता सकता हूं। पिछले 3-4 साल का रिकॉर्ड तो होता है हमारे पास। डॉक्टर साहब, आप अगर इस बारे में हमें मजीद कुछ तफसीलात बता सकें तो ये हमारे लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है। पिछले साल 12 अक्टूबर को ये लीजिए। मगर नहीं,
जी नहीं, इन दोनों में से किसी नाम की खातून मेरे पास नहीं आई। यहीं आती थी, चाहे किसी और नाम से। जी डॉक्टर साहब, देखिए देखिए जरा, उस दिन आपको किस किसने विजिट किया? हाँ हाँ, ये देख लीजिए, फरजाना दिलावर, जरताब चौधरी, मिसेज अवान, मिसेज मलिक, मरियम हफीज और ये मनाल भट्टी। एक्सक्यूज मी, आपने कहा कि मिसेज मलिक, यानी मिसेज मलिक भी उस दिन आपके पास आई थी? जी। तीन बजे आई थी मिसेस मलिक मेरे पास। हो सकता है कि वो यहाँ इसी नाम से आती रही हूँ। आप प्लीज उनके बारे में हमें कुछ मजीद बता सकते हैं? जी जी, क्यों नहीं, मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। क्या वो पिछले साल 12 अक्टूबर के बाद भी आपके पास आई थी? याद नहीं, मेरे ख्याल में नहीं। रसुब, देखने में वो कैसी थी? बहुत खूबसूरत, लंबा कद, घुंघराले बाल, नफीस और आला लिबास पहनती थी। मैंने तो उन्हें हमेशा ऐसा ही देखा है। ये देखिए जरा, यही तो है मिसेस मलिक। खूब डॉक्टर साहब, आप थोड़ी सी रहनुमाई हमारी और कीजिए। बताइए डॉक्टर साहब, वो किस मर्ज के इलाज के लिए यहाँ आया करती थी? देखिए, हमारा अपना एक जाब्ता इखलाक होता है, मैं इतना सब कुछ आपको नहीं बता सकता। लेकिन डॉक्टर साहब, अब वो वफात पा चुकी हैं और उनकी मौत के असबाब जानने के लिए सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ, वो साला साल तक यूं ही मेरे पास आती रही हैं। वो माँ बनने वाली थी, तभी तो इतनी हाई सोसाइटी की खातून इस खटिया क्लिनिक में आया करती थी। जी नहीं, वो अक्सर मेरे पास मुख्तलिफ बीमारियों की मालूमात के लिए आती रहती थी। ये कौन सा काम हुआ? ये उनका कोई शौक था और वैसे भी मुझे इसका माकूल मुआवजा मिलता था, इसलिए मैंने कभी मना भी नहीं किया। तो डॉक्टर साहब, क्या वो प्रेग्नेंट नहीं थी? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर साहब, आपकी उनसे इतनी गुफ्तगू थी, शायद आप हमें बता सके, आया कोई ऐसी वजह हो सकती है कि उन्होंने खुदकुशी की हो? हो सकती है, बल्कि बिल्कुल हो सकती है। और कुछ? कुछ अरसे से उन्हें दर्द वगैरह की शिकायत थी, बात मेरी समझ में ना आई तो मैंने एक्सपर्ट्स के पास रेफर किया और कुछ एक्सरेज और स्कैन्स वगैरह करवाए। और फिर पिछली बार वो ये तमाम एक्सरेज और रिपोर्ट्स लेकर मेरे पास आई। एक्सरेज और रिपोर्ट्स देकर बोली। हाँ, क्या कहा उन्होंने? वो बहुत बहादुर खातून थी, बोली डॉक्टर मेरे साथ झूठ नहीं बोलना और जो भी रिपोर्ट्स में हो मुझे साफ साफ बताना है। और क्या था उन रिपोर्ट्स में? कैंसर, और अब उसकी जड़ें इतनी फैल चुकी थीं कि ऑपरेशन की भी गुंजाइश ना थी। और फिर क्या बताया आपने? मैंने साफ बता दिया कि 2-3 माह की मेहमान है। और फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया और बोली ऐसी जिंदगी और इतनी देर, नो नो डॉक्टर, एक दिन भी नहीं। और वो बाहर निकल गए।
मौजूदीन, डॉक्टर से हासिल की गई मालूमात के मुताबिक पिछले साल 12 अक्टूबर को ही मिसेज जीनिया खान को पहली बार ये इंकशाफ हुआ कि वो कैंसर की मरीजा हैं और बस चंद दिन की मेहमान हैं। डॉक्टर के इतना बताने के बाद मिसेज जीनिया खान ने वाजे इशारा दिया कि वो ऐसी जिंदगी एक दिन भी जीना पसंद नहीं करती। तवील तर बयानात और मिसेज जीनिया खान मरहूमा के जाती डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक मरहूमा एक नहायत जिंदादिल शख्सियत थे और कैंसर के आखिरी स्टेज पर पहुंची हुई मरीजा की जिंदगी जीना उन्हें हरगिज गवारा न था, इसलिए उन्हें अपनी ही कश्ती में खुद को दरिया की तह में डुबो लिए और अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। इन तमाम हालात व वाकयात की रोशनी में और डॉक्टर की फराहम करदा रिपोर्ट के बाद ये जुडिशियल इंक्वायरी कमेटी इस फैसले पर पहुंची कि मिसेज जीनिया खान ने खुदकुशी की थी और इस हादसे में किसी और का कोई हाथ न था। कमेटी के तमाम अरकान इस फैसले पर मुत्तफिक हैं और रिजवान बेग को इरादे कत्ल और दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करने का फैसला किया जाता है। इनके केस की समाप्त असर न होगी। अब इसके साथ ही इस कमेटी का काम इख्तिताम को पहुंचा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
कैसा महसूस कर रही हूँ नफीसा? हैप्पी हैप्पी वेरी हैप्पी। मेरे सर से भी एक बहुत बड़ा बोझ हट गया है। हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, उसने सारे हालात हमारे फेवर में बहा दिए। शुक्रिया तो वैसे मुझे तुम्हारा भी अदा करना चाहिए नफीसा। वो क्यों? क्योंकि तुमने मेरी हिम्मत जो बंधाई, वरना सच बात तो यह है कि मैं कई बार डगमगा गया था। इस्तकामत और मुस्तकिल मिजाजी इंसान के दो मजबूत हथियार होते हैं। अच्छा, तो इतनी मुस्तकिल मिजाजी कहां से पाई आपने? जिंदगी की मुश्किलात से। तो क्या जिंदगी की मुश्किलात इंसान को बाहिम्मत बना देती हैं? मेरा ईमान है हर वो मुश्किल जो इंसान को खत्म करने के लिए ना आए वो कुछ जरूर दे जाती है। मसलन पहले से ज्यादा खुद एतमादी, पहले से ज्यादा तवनाई और मुखालिफ हालात में लड़ने की ताकत। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हें मालूम था कि आखिर तक हालात ऐसे हो जाएंगे? नहीं। तो फिर तुम किस बुनियाद पे इतनी पुरसुकून रही? पहली और आखिरी बुनियाद पर, अपने दिल की गवाही पर। ये तो कोई लॉजिक ना हुई। हाँ, बजाहिर कोई लॉजिक नहीं, लेकिन शायद दुनिया का सबसे बड़ा लॉजिक यही है। इतना एतमाद करती हूँ मुझ पर? एतमाद करती नहीं, एतमाद है। दोबारा से जीने की आरजू पैदा हो गई है मेरे दिल में। तो आपको रोका किसने? आइए मेरे साथ। कहाँ? आइए तो सही, आइए ना, आइए। चीखे। क्या क्या वो कुछ नहीं जो मैं कह रही हूँ वो करे ना, चीखे प्लीज ना। अच्छा देख ऐसे नफीसा, इस तरह से चीखिए प्लीज। कम ऑन यू कैन डू इट, कम ऑन ना। मैं यही चाह रही कि आप अपनी घुटन से निकलकर अपने अपने माजी से निकलकर अपने आज को दिल खोल कर एंजॉय कर सके, उसे जी सके। कुछ खास किताबों की तलाश में लगती हूँ। वजह तलाश नहीं है तो फिर? प्यास। प्यास काहे की? मुझे पूरा यकीन है कि आपकी लाइब्रेरी से मुझे कुछ ऐसी किताबें मिल जाएंगी जो और कहीं नहीं मिलेंगी।
बात उलझा के क्यों कर रही है? आसान ये है कि इंसान हो या दरख्त, आंधी और तूफान का सामना तभी कर सकता है जब उसकी जड़ें मजबूत हों। मोहब्बत कब होती है और कब नहीं होती? मोहब्बत तो हमेशा होती है, किसी भी उम्र में, किसी भी हाल में, किसी भी शक्ल में। मैं जवानी के बाद औरत और मर्द की मोहब्बत की बात कर रहा हूं। हाँ, मर्द को औरत की और औरत को मर्द की जरूरत तो हमेशा रहती है, और ये ऐन फितरी भी है। तुमने तलाश की है कभी मोहब्बत की? मोहब्बत कभी तलाश करने से नहीं मिलती, जिसको जरूरत होती है उसके पास खुद ही पहुंच जाती है। मगर इतने से काम के लिए इतनी मुशक्कत, कुछ अच्छा करने के लिए कुर्बानी तो देनी पड़ती है ना। तो मोहब्बत क्या है? मोहब्बत जिंदगी है, या फिर यूं कहिए कि जिंदगी की शरियानों में दौड़ती हुई तवानाई का नाम है मोहब्बत। तो बात अगर मुकदमेबाजी तक आती है तो क्या अदालत में भी अपने खावन के साथ होंगी? बीवी को तो मैदान जंग में भी अपने शोहर के साथ होना चाहिए। वैसे मैं तुम्हें इंटरव्यू दे सकता हूँ। Really? लेकिन एक शर्त है। जी, वो क्या? तुम मुझसे शादी कर लो। तुझको देखा है जो दरिया ने इधर आते हुए, कुछ भंवर डूब गए पानी में चकराते हुए। हमने तो रात को दांतों से पकड़ रखा है, छीना झपटी में उफक खुलता गया जाते हुए। मैं ना होऊंगा तो खिजां कैसे कटेगी तेरी? शोख पत्ते ने कहा शाख से मुरझाते हुए। सी लिए होंठ वो पाकीजा निगाहें सुनकर, मैली हो जाती है आवाज भी दोहराते हुए। ये सब क्या है? तुम्हारा इस्तकबाल। अभी तो मैं यहां से गई थी। तब तुम एक साफी और मेहमान की हैसियत से यहां मौजूद थी। अब इस घर की मालकिन मिसेज सरदार आफताब अली खान। मैंने सोचा मैं आपको अच्छी लगूंगी। What do you mean by अच्छी लगूंगी? तुम मुझे हमेशा अच्छी लगती हो। कभी कभी इंसान ऐसा क्यों चाहता है? कैसा चाहता है इंसान? यही कि वो एक बार फिर से बच्चा बन जाए। लालची जो हुआ, तुम मालिकन हो इस घर, तुम एक डेकोरेशन पीस तो क्या तुम तमाम शीशे और खिड़कियां भी तोड़ सकती हो? ओके, we'll be right back.
फिक्र न करें बीबी साहब, मैं कल तक ये सारा कमरा खाली करवा दूंगी। क्यों? ये आपसे किसने कहा? जो कुछ भी हुआ वो हकीकत जानने की कोशिश थी। सीनिया खान के इस घर में आप सबके दिलों में जो जगह है वो कोई नहीं ले सकता, मैं भी नहीं, और ना मैं ऐसा होने दूंगी। हमने एक बहुत बड़े आसेब से निजात हासिल की है। जो यादें, जो खूबसूरत लम्हे आप सबके दिलों में महफूज हैं, वो वैसे ही रहने चाहिए। मुझसे ये उठाया जाएगा, मेरी ये अमानत बेगम आमना खान को लौटाई थी, लेकिन शायद इसमें वो सब लिखा है जो हम नहीं जानना चाहते। लाइए, ये मुझे दे दीजिए। यादों को हमेशा खूबसूरत ही होना चाहिए, बाकी सब भुला देना चाहिए। मैं इसे ज़ीनिया खान को वापस लौटा दूंगी। मिसेस मलिक, मैं चाहती हूं कि हमारे दरमियान माहौल दोस्ताना रहे, और ये भी जानती हूं कि आपको मुझे बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि इस तरह की जिंदगी से मैं बिल्कुल यूज्ड टू नहीं हूँ। ये सब कुछ मेरे लिए बहुत नया है। क्या अजीब बेहूदा मजाक है! कोई मजाक नहीं बीबी साहब, शायद आपकी तबीयत ठीक नहीं। आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। नफीसा कहीं हूँ? मैं अब नफीसा आफताब अली खान हूँ। कम से कम मेरे लिए तो कभी नहीं। ये साड़ी उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी पार्टी में पहनी थी।
और सरदार साहब समेत किसी की नजर उनसे हटती नहीं थी। आप पे भी ये रंग बहुत सूट करेगा। आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्यों करती हो मुझसे इतनी नफरत? क्यों? ये कहानियां तो तुम्हें सुनना पड़ेगी, क्योंकि तुम अपना मुकाबला ज़ीनिया खान से कर रही हो, जो तुम चाहकर भी नहीं कर सकती, क्योंकि ज़ीनिया खान तुमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। लोग क्या कहेंगे? एक मालकिन होकर एक मुलाजमा से डरती है, उसके बहकावे में आके इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करती है, कितनी बातें बनेंगी। कहो ना कि बस तुमने अब डिसाइड कर लिया कि तुमने उसी से शादी करनी है। मामा, वो एक रीजनेबल आदमी है और फिर मेरा कजन भी। अब बात समझ में आई ना? आ गई ना अपने बाप की बातों में तुम? पापा ने मुझे कुछ ऐसी बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ मुझे इजाजत दी है अपनी मर्जी करने की, जो मैं कर रही हूं। पर सीनिया, पता नहीं मेरे अंदर क्यों ये फीलिंग्स आ रहे हैं कि तुम्हें एक दिन बहुत पछताना पड़ेगा। आदमी को अपनी मर्जी करके पछताना भी पड़े तो खैर है।